हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग इस टाइम जो सॉल्व कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो जेई से और नीट से लिए गए हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन है हमारे पास, इट्स अ सिक्स नंबर का क्वेश्चन, और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द रेशियो बिटवीन द FCC एंड द BCC डेंसिटीज। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेटल कैटलाइजेस इंटू टू क्यूबिक फेजेस, जो एक तो फेस क्यूबिकल है और दूसरा है बॉडी सेंटर, ठीक है, हुज यूनिट सेल लेंथ आर 3.5, यानी कि जो आपका फेस सेंटर है इसे हम मान लेते हैं A1, ये दिया है 3.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और दूसरी दूरी जो दी है वो दी है BCC के लिए, जिसके लिए A2 माना जाता है और उसके दिया है उन्होंने 3.0 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो दीज आर द लेंथ एज रेंजेस आर गिवन, और इसमें बोला गया है कि आपको बताना है कि कैलकुलेट करके कि रेशियो की डेंसिटी का रेशियो क्या होगा FCC एंड BCC के लिए, ठीक। तो जहां पर कभी भी आपको रेशियो के बारे में पूछा जाए, रेशियो ऑफ डेंसिटी, वहां पर कभी भी कन्वर्जन करने में टाइम बर्बाद ना करेंगे, यानी कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है दोनों में किसी भी पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D=, या फिर हम इसे बोलेंगे डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, और इसे मोलर मास भी बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ। This is the formula of density. Understand? अब इसे क्या करते हैं, हमको इस वैल्यू को रखना है डेंसिटी के फॉर्मूले में, और d के लिए अगर हम निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा z into m upon n a is a q. This is the final formula. ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं, हम फर्स्ट रख लिए हम डेंसिटी ऑफ द FCC, इसमें तो यहाँ पर होगा d1 इक्वल टू z1, बिकॉज हम जानते हैं FCC केस में z क्या हो जाता है, FCC केस में z हो जाता है 4, और BCC केस में z हो जाता है कितना, यहाँ पर z जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। अंडरस्टैंड, उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पर आएगा m, दोनों के लिए सिमिलर ही रहने वाला है, और यहाँ पर दूसरा आएगा हमारे पास अवोगाड्रो नंबर इनटू, जैसे कि लेंथ दोनों की डिफरेंस है तो दोनों के लिए डिफरेंट लेंथ ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर डी वन हो गया, डी टू के लिए आएगा यहाँ पर जेड टू एम अपॉन एन ए थ्री, ए थ्री वन ए थ्री, ठीक है। अब निकाल लेते हैं रेशियो, रेशियो के लिए क्या होगा, डिवाइड कर देंगे हम इक्वेशन वन को, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन टू से, यानी कि इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन टू, ठीक है। यहाँ पर d1 अपॉन d2, और ऊपर हमारे पास वैल्यू आई है z1 m अपॉन na a1 q, उसके नीचे आएगी z2 m na into a2 q, ठीक है। m सिमिलर है कट जाएंगे, na सिमिलर है ये भी कट जाएंगे, और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू बचकर आती है यहाँ पर d1 अपॉन d2 इक्वल टू z1 अपॉन z2, और यहाँ पर होगा a2 क्यूब अपॉन a1 क्यूब। अंडरस्टैंड, नाउ पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, और हम क्या देखेंगे, हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो आएगी कि जो z1 है वो है 4, जो z2 है वो है 2 इंटू, अब थ्री टाइम्स रखना है हमको, थ्री इंटू थ्री, और यहाँ पर रखना है हमको 1, 2, 3, थ्री टाइम ही रखना है हमको 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अंडरस्टैंड, नाउ कैलकुलेटेड 4 2 जा, ठीक,
यहाँ पर हमारे पास कितना बचता है, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर हमारे पास 3.5, 3.5 एंड 3.5, ये हमारा आंसर आता है 1.259 अपॉन। तो इससे जो है हमारा आंसर निकल कर आता है D1:D2=1.259:1, इट इज आवर आंसर दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू और द रेशियो ऑफ द FCC and the BCC densities 1.259. Hello everyone, the